नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ एम न्यूज चैनल हर पल आपके साथ। मैं खुर्शीद आपको इस चैनल में वेलकम करता हूं। आइए, रोज की तरह आज मैं फिर 10 बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की सबसे अहम बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बर्धमान के डीएम शशांक सेट्टी का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पुनेंदु मांझी को लाया गया है। वो 1995 के बैच के आईएएस ऑफिसर थे। दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि लॉकडाउन में गुटखा की पाबंदी के बावजूद खुलेआम गुटखा बिक्री होते हुए देखा जा रहा है, और इन दिनों काला बाजारी काफी उरूज पे दिखाई जा रही है। जब लोग खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हर सामान की दाम बढ़ी हुई इनको मिल रही है। कुल्टी ब्लॉक से एक खबर ये आई है कि कुल्टी ब्लॉक के वार्ड नंबर 70 के काउंसिलर प्रेमनाथ सौ को कुल्टी ब्लॉक टीएमसी का कन्वीनर बना दिया गया है। ये इतला पश्चिम बर्धमान के डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट है जितेंद्र कुमार तिवारी, एमएलए भी, मेयर भी, उन्होंने दी है। आज एडीएम खुशी कादरी ने लोगों से ये अपील की है, और उनकी ये बार बार अपील है कि आप अपने घरों में रहकर इबादत करें और ये दुआ करें कि कोरोना से जल्द लोगों को निजात मिल जाए। आज एक खबर ये भी आई कि आसनसोल कांग्रेस की एक वफद ने एडीएम से मुलाकात करके लोगों से ये कहा कि इन दिनों फेक न्यूज का बाजार गर्म है, हर तरफ अफवाहें फैलाई जा रही है, और ऐसा लग रहा कि पैसे की चकाचौंध ने चैनलों को भी अपने गिरफ्त में ले लिया है। एक दौर हुआ करता था जब मीडिया मोहब्बत की बातें करते हुए दिखाई देती है, लेकिन इन दिनों कुछ नेशनल मीडिया भी मोहब्बत के बजाय नफरत की बातें करते हुए दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस के वफद ने एक लेटर एडीएम को दिया, और उन्होंने एडीएम साहब से ये गुहार लगाई कि इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए कि फेक न्यूज ज्यादा से ज्यादा चैनल में या फिर प्रिंट मीडिया में ना आवे। वेस्ट बंगाल के क्लाइमेट डिपार्टमेंट ने यह खबर ये दी है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में बारिश का संभावना है। खासकर जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में बारिश तो होगी, ये ऐसा बताया जा रहा है, और इसकी बूंदाबांदी आसनसोल में भी देखी जा सकती है। सहाफी और एक्टर संजय सिन्हा ने, जो माजूर लोग हैं, जो दीवान लोग हैं, आज उन्होंने उन लोगों के लिए राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, वो लोगों को राशन बांटते हुए दिखाई दिए। और एक बड़ी ये खबर आ रही है कि बार बार जैसा कहा जा रहा है कि राशन जो निजाम है, जो राशन बांटने का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें काफी गड़बड़ी पाई जा रही थी। तो वेस्ट बंगाल महकमा खुराक के जो सेक्रेटरी हैं, आपका जाकर के मनोज अग्रवाल, उनका तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह परवेज सिद्दीकी को लिया गया है। और दोस्तों, लॉकडाउन में जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन दिनों हम लोगों ने देखा क्वारंटाइन सेंटर को लेकर जमुईया में बहुत ही दहशत का माहौल था, और वहां पे एक जमुईया आईसी का ऑफिसर को जख्मी कर दिया गया, उनके उनके टांगों में गोली भी लगी, लेकिन वो अब सेहतयाब है और वो बहुत स्पीड से रिकवरी कर रहे हैं। वो रानीगंज के एक अस्पताल में जेरे इलाज है। ममता बनर्जी ने उनसे बात की और उनसे इलाज के ताल्लुक से ये पूछा कि वो इलाज से सेटिस्फाइड है कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो इलाज से सेटिस्फाइड है। ममता बनर्जी के फोन की वजह कर यहाँ के जो आसनसोल के जो पुलिस कर्मियों हैं उनमें काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जो लोग मिठाई खाने के शौकीन, उसके लिए अच्छी खबर ये है कि अब मिठाई की दुकान 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुली हुई रहेगी। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और हम लोग सब लॉकडाउन हो गए हैं। यहाँ पे आज ओपीडी बंद है, आईसीयू सेंटर बंद है। ऐसे माहौल में अब केसेस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। आप जब अस्पताल में जाओगे तो आप ये देखोगे कि सिर्फ आपको कोरोना के ही मरीज दिखाई देगा, और ये एहसास भी होगा कि जिंदगी थम गई है। लेकिन ये खुशी भी है कि अब हम लोग को डिप्रेशन के जो मरीज वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। एक्सीडेंट की मौत का आंकड़ा नए के बराबर है, जो जीरो हो गया है। और जरा जरा सी बात पे जो हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे, हम लोग को जांच करने के लिए कह दिया जाता था, आज वो जांच बंद है और हम लोग खुद को समेट कर खुशहाल दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर जिंदगी की जरूरियात को हम लोग थोड़ा सा कमी कर दें और जरूरियात के मुताबिक हर चीज खर्च करें तो हमारी जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। आज कोई भी मौत की खबर नहीं आ रही है कि एक्सीडेंट से कोई लोग मरे गए, जिंदगी थम सी गई है, लेकिन जिंदगी खुशगवार चल रही है। और जिस तरह से लॉकडाउन पालन लोग कर रहे हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग अब इसे कोरोना वायरस से हम लोग निजात पा लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेफ एम न्यूज चैनल खबरों के साथ साथ लोगों की भलाई का भी काम करती है,
और इनके एक जो इनके जो करता धरता है उनके तारीफ से बराबर उनके जानिब से बराबर लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जा रहा है। सीएफएल की टीम आप लोग से अनुरोध करती है कि आप लोग इस अच्छे कामों में हिस्सा लें और हमारे स्क्रीन में एक नंबर आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी लोगों को इस दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं तो आप उस नंबर में शामिल होकर हम लोग को मदद करें। बाय।